मैं आप सभी साथियों का क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूं। लोग द्रोणाचार्य का पद हमारे ऋषि को दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। द्रोणाचार्य अपने वचन और कर्तव्य के कारण मजबूर थे, जिन्होंने हमारे एकलव्य का अंगूठा लेने के बाद उसे वरदान दिया कि तू इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे अच्छा धनुधर बनेगा। लेकिन ये वीसी जो हमारे वीसी है, इनके आंखों में घमंड पावर और पावर का जो घमंड बंधा हुआ है, जिसके कारण वो हमारी मासूमियत और हमारे अधिकारों को नहीं देखना चाहती। इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर उस जगह पे हो जहां पर आप पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, उन्हें समझो या फिर कहीं जाके डूब मरो। ये वर्ष 2016 जो कि क्रांति के साथ शुरू हुआ था, 17 जनवरी 2016, जब इस वीसी के घमंड के कारण हमारे एक दोस्त रोहित बमुला ने अपनी जान की बलि दे दी, और उसके बाद भी इस सो कॉल किलर वीसी के पास इतने भी समझ नहीं आई कि वो वापस से उस द्रोणाचार्य को समझे और फिर से इस यूनिवर्सिटी में पीस शांतिपूर्ण माहौल लाने का कोशिश करें। बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोगों ने कुछ समय के लिए इस यूनिवर्सिटी में पीस शांति लाने की कोशिश की। उसके बाद फिर से इस अप्पा राव ने आकर हमारी शांति को भंग किया है। हमारा स्ट्रगल जो वर्षों से जारी है, इस रोहित बमुला के जस्टिस के लिए हमेशा जारी रहेगी। 22 मार्च 2016 जब वीसी ने इस यूनिवर्सिटी की पीस और शांति को भंग करने की कोशिश की, फिर से उसने इस यूनिवर्सिटी की शांति को भंग किया और हमारे सारे साथियों पर बहुत ही बुरी तरह से लाठीचार्ज किया। लेकिन हम इस वीसी और यहाँ इससे जुड़े सभी लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि आपका दुर्व्यवहार और आपका शासन हमें कमजोर नहीं, हमारी शक्ति को और भी बढ़ा रहा है। जब तक आप इस तरह से हमारा विरोध करते रहोगे, हमारी शक्ति दुगुना तिगुना और कई गुना होकर आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जब तक कि आप शर्म के मारे कहीं जाके डूब नहीं मर जाते, हमारा स्ट्रगल इसी तरह जारी रहेगा। जो मार्च 2015 जब हमारे कई साथियों को उन लोगों ने पुलिस बुरी तरह से मारे और उसके बाद उन्हें जेल पर ले जाके बंद कर दिया, दो दिनों से हमारे कई साथी उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनसे आज भी जाके नहीं मिल पाया। लेकिन जब बाकी के लोग मिलकर आए और उन्होंने उनके बारे में बताया, तो मन में खुशी थी कि कहीं ना कहीं उनका साहस और हिम्मत सराहनीय है, जिसे हम लोगों को सराहना होगा। आपका साहस और दृढ़ संकल्प मुझे एक ताकत और हम सभी को एक ताकत देता है कि इस ब्राह्मणकल और क्रूर अप्पा राव के खिलाफ एकजुट होकर साहस लड़ाई करें। और आप सभी और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बाकी के लोग जो कि अभी तक न्यूट्रल है, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि प्लीज ये समय जब हमारा लिंक बाहर से और मीडिया लोगों से टूट चुका है, आप मिलकर वापस आए, हमारा साथ दें और इस जंग जो कि वीसी अप्पा राव के खिलाफ और इस समाज क्रूर समाज के खिलाफ और क्रूर शासक के खिलाफ छिड़ी हुई है, उस पर हमारा सहयोग दे और हमारी विजय को सुनिश्चित करें। मैं आप सभी साथियों से अपील करना चाहता हूं कि प्लीज अपने सर अपना डर अपने पॉकेट में रखकर हमारे साथ आए, हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस क्रूर शासक के खिलाफ अपना आवाज उठाएं और एक बार फिर से हमारी यूनिवर्सिटी में शांति और पढ़ाई का माहौल बनाने में हमारा मदद करें। जब तक
अब वापस जब तक आपकी आवाज हमारी आवाज के साथ मिलकर एक साथ नहीं आएगी तब तक इस यूनिवर्सिटी में शांति मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और हमारा जंग तब तक जारी रहेगा जब तक इस यूनिवर्सिटी में वापस से शांति का माहौल ना कायम हो इसके लिए चाहे कुछ भी करना क्यों ना पड़ जाए हमारा द्रोणाचार्य ने एक इकलौने का अंगूठा मांगा था हमारे पीसी अप्पा राव जो अभी तक नहीं समझ पाए कि एक रॉयल बेमलर जिसका हमें दुख है कि वो हमें हमारे बीच में नहीं है वो क्या चाहता है कि और भी रोहित बेमुला आए लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वापस से कभी रोहित बेमुला इस तरह का कोई रोहित बेमुला हमारे बीच में नहीं आएगा उसके लिए चाहे ऐसे हजारों पीसी अप्पा राव को बलिदान देना क्यों ना पड़ जाए सभी साथियों को लाल सलाम।